हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं एनवेलप। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पे इस पे बेस्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनवेलप और इनवॉल्यूट्स पे। सो आज मैं आपके सामने समझाऊंगा कि एनवेलप होता है क्या। और स्टूडेंट, इससे पहले मेरे वीडियोज़ काफ़ी सारे यहाँ पे अपलोडेड है हायर एजुकेशन पे, लाइक हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। और जो स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं उनके लिए भी मैथमेटिक्स पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक आईआईटी जेएम है, या फिर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सीएसआई नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टूडेंट मेरे यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आप पे आपको बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं। और स्टूडेंट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, सो दैट कि मैं आपके सामने और भी अच्छे कंटेंट को लेके आऊं। सो स्टूडेंट देखिए, आप एनवेलप होता क्या है और कैसे हम इसको निकालते हैं। सो यहां पे क्या होता है, द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ अ कर्व इज अ कर्व व्हिच टचेस द ईच मेंबर ऑफ द फैमिली एंड एट ईच पॉइंट इज टच्ड बाय द सम मेंबर ऑफ द फैमिली। ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लैंग्वेज है, आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी, मैं मानता हूँ। सो मैं आपको समझाऊंगा अभी कि क्या चीज़ होती है। लाइक जैसे मैं आपको बताऊं कि ये एक टेंजेंट है, ये क्या है, एक इक्वेशन पर स्ट्रेट लाइन, राइट। अगर मैं यहाँ पे एम की वैल्यू चेंज करूँ तो मुझे अलग अलग टाइप की स्ट्रेट लाइन मिलेगी, राइट। अगर मैं इसे एम की वैल्यू चेंज करूँ तो ऐसी आएगी, फिर ये 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 ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, इस टाइप से अलग 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 एम की वैल्यू चेंज करेंगे तो ये बनेगा ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक सर्कल बनाएगा, राइट। अगर इसके हर पॉइंट को हम टच करेंगे तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। तो इसका मतलब यहां पे ये जो m पैरामीटर है, इस m की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग लाइंस बन रही है और इससे बनने वाला जो पाथ होता है वो हमारा एनवेलप होता है। तो मैं आपको बोलूं इसका जो एनवेलप होगा वो क्या होगा, ये सर्कल होगा, है ना। तो भैया आप हर को ट्रेस करने से तो रहे नहीं, तो यह मैथमेटिकल कैलकुलेशन की हेल्प से हम ये वाला काम करते हैं, है ना। तो एनवेलप का मतलब यही होता है कि जो इक्वेशंस है उस इक्वेशन में जो पैरामीटर है उस पैरामीटर की वैल्यू चेंज करने के बाद जो पाथ बनता है वो पाथ किसका बन रहा है, लाइक पैराबोला बन रहा है या सर्कल बन रहा है या एलिप्स बन रहा है, वो एनवेलप होता है उसका, राइट। सो यहां पे एनवेलप निकालते हैं कैसे स्टूडेंट, तो ये देखिए आप लोग, लेट एक्स कोमा वाई कोमा अल्फा इज इक्वल टू जीरो बी द फैमिली ऑफ द कर्व। यहाँ पे अल्फा पैरामीटर है, मतलब अल्फा की वैल्यू चेंज करेंगे हम, है ना। तो हम इसका एनवेलप की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा, देन ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों को सॉल्व करेंगे और अल्फा को हम यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे, और एलिमिनेट करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो हमारा क्या होगा, एनवेलप होगा, राइट। अब बाय चांस एक और मेथड है, अगर बाय चांस यहाँ पे जो पैरामीटर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है ना, इफ द फैमिली ऑफ द कर्व इज गिवन बाय दिस, है ना, मतलब ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी अल्फा सी, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू चेंज करने पर अलग अलग इक्वेशंस मिलेगी, तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसका एनवेलप कैसे निकालते हैं, तो वो हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो की हेल्प से हम निकालते हैं। स्टूडेंट मैं आपके सामने भी यहाँ पे एक से दो क्वेश्चन लूंगा तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस एनवेलप किस तरह से निकालते हैं। सो यहाँ पे दे रखा है फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। तो यहाँ पे ये जो m है ये पैरामीटर है, मतलब ये बोल रहा है कि m की अलग अलग वैल्यू रखने के बाद जो इक्वेशंस बनेगी उन सब इक्वेशन को हम ट्रेस करें तो वो किस टाइप का शेप देगी हमें, तो ये हम यहाँ पे निकालने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एनवेलप। सो स्टूडेंट देखिए, हम लोग मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो पैरामीटर दे रखा है उसके रेस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू m, है ना। तो इसको हम m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो ये जीरो हो जाएगा, ना इसका हम m के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये x, और ये आएगा वन अपॉन m स्क्वायर। देन स्टूडेंट यहाँ से हम m की वैल्यू निकालेंगे तो m स्क्वायर इज इक्वल टू a बाय x, तो यहाँ पे m की वैल्यू होगी रूट ए बाय रूट एक्स। ये m की वैल्यू उठा के हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू रखिए आप, कितने आ रही है, रूट ए बाय रूट एक्स मैंने यहाँ रखी इंटू एक्स प्लस ए बाय रूट ए अपॉन रूट एक्स। ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू स्टूडेंट ये रूट एक्स है, रूट एक्स कैंसिल हुआ तो ये आया रूट ए रूट एक्स, और ये रूट ए से कैंसिल हुआ तो ऊपर भी यहाँ भी हुआ रूट ए, और ये रूट एक्स ऊपर चला गया। ना स्टूडेंट यहाँ पे से ये ट्वाइस हो जाएगा, है ना, तो ये आएगा टू रूट ए रूट एक्स, और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो होगा ये इसका क्या होता है, एनवेलप होता है, राइट, है ना, फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये इसका क्या होगा, एनवेलप होगा। तो इस तरह से इसके एनवेलप की इक्वेशन हम यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है, सॉरी फोर एक्स, है ना, स्क्वायर तो होगा ही नहीं ना भाई, अंडर रूट है, ठीक है। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, ये क्या होता है, एक पैराबोला होता है। मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसकी सभी इक्वेशंस को खींचने
चालू करूं तो जो शेप बनाएगी वो कैसा बनाएगी, पैराबोला बनाएगी, क्लियर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन द एनवेलप ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ द कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्स स्क्वायर साइन अल्फा प्लस वाई स्क्वायर कोस अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ये अल्फा है ये हमारा क्या है, पैरामीटर है, मतलब हमें इस अल्फा को यहाँ पे क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो इससे जो हमारी इक्वेशन आएगी वो हमारा एनवेलप आएगा। सो स्टूडेंट देखिए हम करेंगे क्या यहाँ पे, है ना, ये आएगा डिफरेंशिएट, सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा, है ना, मैं इसको इक्वेशन नंबर वन मान लेता हूँ, जगह नहीं है इसलिए, है ना, ना इसको डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर कॉस साइन का होगा कॉस अल्फा, है ना, वाई स्क्वायर और कॉस का होगा माइनस का साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो। नाउ हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, मैं उधर ले गया उसको, तो एक्स स्क्वायर कॉस अल्फा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर साइन अल्फा। नाउ मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एस स्क्वायर अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन कॉस अल्फा। भैया मैंने क्या करा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। नाउ हमने रेशियो का रूल पढ़ा है कि अगर दो रेशियो आपस में बराबर है, है ना, तो उनका स्क्वायर भी बराबर होगा, है ना। तो मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, इसको स्क्वायर करता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स पावर फोर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वाई फाइव पावर फोर। मैंने इस दोनों तरफ क्या करा, होल स्क्वायर किया, है ना। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे लाइक वन बाई टू इज इक्वल टू टू बाई फोर, ये रेशियो बराबर है, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर करूँ तो भी बराबर ही है, क्योंकि अंडरूट ले सकते हैं ना। अगर ये दोनों बराबर है तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ, क्या करूँ, ऐड करूँ, है ना, तो स्टूडेंट ये कितना होगा, थ्री बाई सिक्स, दैट इज अगेन वन बाई टू, है ना। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें, है ना, क्या करें, एक्स पावर फोर प्लस वाई पावर फोर अपॉन ये कितना आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। स्टूडेंट आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर अब करना क्या चाह रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, मुझे साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखूंगा तो इसका अल्फा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और मेरे एनवेलप की इक्वेशन आ जाएगी, राइट। सो क्या होगा, देखो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ से अलग अलग वैल्यू निकाल दी, देना दोनों को स्क्वायर किया, देना दोनों को ऐड किया। अब स्टूडेंट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है, वन होता है, तो ये तो वन हो गया। नाउ अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी, मैं इसको थोड़ा सा एक बार और लिख लेता हूँ, है ना, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वाई पावर फोर कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू एक्स पावर फोर वाई पावर फोर, नीचे कितना हो गया, वन। नाउ मैं अब साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालूंगा, तो स्टूडेंट साइन स्क्वायर इसको छुपा दो आप, है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे अगर इसको मैं छुपाऊंगा, है ना, तो ये नीचे आ जाएगा, है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, x पावर 4 अपॉन x पावर 4 y पावर 4, और यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू इन दोनों से निकालेंगे हम, तो कितना आएगा, y पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू और ये वैल्यू, है ना। अभी साइन अल्फा कॉस अल्फा चाहिए भाई साहब, तो इन दोनों का क्या कर दीजिए आप, अंडरूट ले लीजिए, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर अंडरूट ऑफ एक्स पावर फोर वाई पावर फोर, और यहाँ भी मैं इसका अंडरूट ले लेता हूँ, तो यहाँ पे ये जो कॉस अल्फा आएगा ये आएगा वाई स्क्वायर अंडरूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू उठा के वहाँ रखूँगा मैं, तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर और साइन अल्फा की वैल्यू ये रहेगी, तो ये कितना आएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर अंडरूट ऑफ x पावर 4 y पावर 4 y स्क्वायर cos अल्फा की वैल्यू आएगी y स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x पावर 4 y पावर 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर। देन आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये आएगा x पावर 4 y पावर 4 और ये x स्क्वायर x पावर 4 हो जाएगा, ये y पावर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर। स्टूडेंट ये अंडर रूट है और ये है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर अंडर रूट बचेगा, x पावर 4 प्लस y पावर 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर। एंड इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी a पावर 4। सो इस तरह से हम इस एनवेलप की इक्वेशन निकालते हैं। मैं आपके सामने एक से दो क्वेश्चन और लूंगा, फिर हम इसको खत्म करेंगे। सो स्टूडेंट एक लास्ट क्वेश्चन हो, देखिए आप लोग यहाँ पे इसका एनवेलप कैसे निकलेंगे। ऑब्टेन द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व गिवन बाय दिस, आपको इसका एनवेलप निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बोल रहा है कि अल्फा इज द पैरामीटर, पर एक बार ध्यान दीजिए यहाँ भी अल्फा स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने एनवेलप निकालने के दो कंसेप्ट बताए थे जब स्टार्ट में मैंने बताया था, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है तो उसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, इसका जीरो बराबर जीरो करने पर उसका एनवेलप निकलेगा, वही कंसेप्ट यहाँ लगने वाला है। तो देखिए यहाँ पे अल्फा पैरामीटर है, तो मतलब अल्फा को आपको यहाँ पे क्या करना है, एलिमिनेट करना है, राइट। तो हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। तो क्या आएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आएगा के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। देन इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना, तो ये आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, एंड देन इसको उधर लाएंगे, तो ये आएगा वाई अल्फा के स्क्वायर प्लस अल्फा पावर फोर इज इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए स्टूडेंट, तो ये अल्फा पावर फोर आएगा,
देन अल्फा स्क्वायर की इक्वेशन यहाँ पे अल्फा स्क्वायर क्या रहा है ये चेक कर लीजिए, है ना। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिख लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे आएगा ये माइनस, चलो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। तो क्या आएगा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन है। और ये आप अल्फा में, अल्फा स्क्वायर दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन अल्फा स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एंड सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है एक्स स्क्वायर के स्क्वायर है। नाउ यहाँ पे हम इसकी क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो देखिए हम, मैंने आपको बोला था इसका जो एनवलप की इक्वेशन होती है वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac is equal to 0, then इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो स्टूडेंट क्या आएगा देखिए, आप लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पर स्टूडेंट यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, है ना, प्लस 4xk, और यहाँ आएगा ये आपके पास 2xk, देन यहाँ आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2xk इज इक्वल टू 0 बनेगा। अरे यार ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर टाइप का हो रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2xk का होल स्क्वायर, राइट। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है ना। नाउ इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2xk प्लस के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब मैंने इसको इसको एक साथ लिख दिया, वाई स्क्वायर को पीछे लिख दिया। इसी टाइप से मैं इसको भी कर रहा हूँ माइनस 2xk प्लस के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, स्टूडेंट मैंने इसको 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 एक साथ लिखा और वाई स्क्वायर को पीछे लिख दिया। यहाँ देखिए ये किसका स्क्वायर हो रहा है वापस, एक्स प्लस के का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है एक्स माइनस के का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन रहा है ना, ये एक्स माइनस के का होल स्क्वायर बन रहा है। अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा ये एक्स प्लस वाई माइनस के एंड एक्स प्लस के प्लस वाई, देन यहाँ पे ये बनेगा एक्स माइनस के प्लस वाई एंड एक्स माइनस के माइनस वाई। तो स्टूडेंट यहाँ पे एनवलप की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी एक्स प्लस वाई एक्स प्लस, मैं इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख देता हूँ, तो एक्स माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई माइनस के इज इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस वाई माइनस के इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट यहाँ पे ये हमारी क्या होगी, एनवलप की इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट मेरी जो वीडियोस हैं आपको बहुत हेल्प कर रहे होंगे, और मुझे लगता है कि मैं जो आगे और भी कंटेंट लेके आने वाला हूँ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक IIT JMS ASI NET या फिर गेट का एग्जाम है, तो वो भी कंटेंट आपको हेल्प करेगा। स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए, और स्टूडेंट कमेंट और लाइक ज़रूर करें, इसमें आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता है, बस ये हमें मोटिवेट करता है। इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें, ज्ञान बढ़ने से ही बढ़ता है। थैंक यू सो मच।